नमस्कार, मैं प्रदीप वाजपेयी आपके सामने फिर आया हूं एक और विषय को लेके। जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी कि हम पढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे समझने की कि एक प्लेन स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ते हैं और उसको ड्रामेटाइज वे में कैसे पढ़ा जाता है। इसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सही तरह से उसको धीरे से पॉज दे के समझ के अच्छी तरह से पढ़ें, उसका सबटेक्स्ट जानें, उसको समझें और फिर उन शब्दों में जीवंतता लाएं और ऐसा प्रभाव छोड़ें कि दर्शक को या सुनने वाले के हृदय को चीर जाएं। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि उसको लगे कि हाँ मजा आ गया। तो यही एक सफल अभिनेता का को अपना चरित्र निभाने का या डायलॉग बोलने का यही मौका होता है और इसी पे उसका पूरा का पूरा दारोमदार होता है। खैर, आगे बढ़ते हुए हम ये बात करेंगे एक कहानी की, जो या एक छोटी सी या कहानी कहेंगे जो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी है, टोपी शुक्ला जिसका नाम है। इसमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए हम बात करेंगे कि दो छोटे एक दोस्त हैं जो अलग अलग सामाजिक परिवेश में बड़े हुए हैं। एक मुस्लिम समुदाय से है, एक हिंदू समुदाय से है, एक का नाम इफ़न है और एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। अब ये बलभद्र नारायण शुक्ला जो कि बीच का बेटा है, तो लेखक ने ये भी कोशिश करी है दिखाने की कि जो बीच का जो बच्चा होता है उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, परिवार उसको ज्यादा अटेंशन भी नहीं देता है और अगर वो पढ़ने में तेज नहीं है या दिखने में भी थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है बाकी के बनिस्बत बाकी उसके दो भाइयों के, तो और भी उसकी मुश्किल आ जाती है। खैर, अभी हम बात करेंगे कि जब टोपी शुक्ला का जन्म हुआ तो मतलब जन्म के दिन से ही, मतलब उस रात से जब उसकी माँ के पेट में दर्द चालू हुआ तभी से मुश्किलें पैदा हो गईं और वो मुश्किलों का और वो अंबार ही था। वो मतलब कभी भी उसका घर पे कुछ ज्यादा उसके होने से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम पढ़ते हैं कि जब उसकी माँ के पेट में दर्द हुआ तो काली रात थी, सहा रात थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार बारिश और ऐसी बारिश के जिसमें ना डॉक्टर नहीं आ सकती थी ना दाई ही आ सकती थी। तो हुआ यूं, हम पढ़ेंगे बड़े प्लेन लहजे में कि गरज ये कि टोपी को रात के ठीक 12 बजे खुद से पैदा हो जाना पड़ा। पैदा होते ही टोपी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से दुनिया को देखा। उसे जो चीज दिखाई दी वो बड़ी भयानक थी। वो डरकर रोने लगा और उस अंधकार को ढूंढने लगा जिसमें वो अब तक कुलबुलाया करता था। अब थोड़ा सा हम ड्रामेटाइज वे में पढ़ते हैं इसको। गरज ये कि टोपी को रात के ठीक 12 बजे खुद से पैदा हो जाना पड़ा। पैदा होते ही टोपी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से दुनिया को देखा और जो कुछ उसे दिखाई दिया वो बड़ा भयानक था। वो डरकर रोने लगा और उस अंधेरे को ढूंढने लगा जिसमें वो अब तक कुलबुलाया करता था। तो एक तो ये हो गया। एक और हम डायलॉग लेंगे जिसमें ये दोनों जो है जो दोस्त हैं इफ़न और टोपी, इनकी मुलाकात कैसे होती है कि ये, क्योंकि ये जो बच्चा था ये खूब प्रताड़ित था, तो इसकी जो दादी थी इसको पसंद नहीं करती थी, रंग काला था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बात में ये जिरह करता था और सुनता नहीं था किसी की। तो इसको एक बार मार पड़ी तो ये घर से भाग गया। अच्छा, भागा तो ये इसकी कैसे दोस्ती हुई और ये इसने जब भागा हुआ था तो बाहर आया तो देखा कि दो तीन बच्चे एक लड़के को मार रहे हैं, तो ये इसने बीच बचाव किया जाके और फिर ये उनमें आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो जब बीच बचाव किया तो उसका भी हाल लेखक ने दर्शाया है
कि कितना बुरा हाल होता है, कि उसके जहन पे ये क्या भाव आ जाता है कि हुआ क्या। देखिए लड़ाई खत्म हुई तो उसका कुर्ता चीर चीर हो चुका था, उसके घुटने छिल चुके थे और उसके मुंह पर नाखूनों की खराशें पड़ चुकी थी। इफ्फन का भी यही हाल था, परंतु इफ्फन और टोबी में एक फर्क था। इफ्फन एक लौता बेटा था और टोबी बीच का। कहने में ये बात भयानक नहीं मालूम होती, इस दर्द को तो वही जान सकता है जो खुद दूसरा बेटा। अब थोड़ा ड्रामेटाइजमेंट पड़े। लड़ाई खत्म हुई तो उसका कुर्ता चीर चीर हो चुका था, उसके घुटने छिल चुके थे और उसके मुंह पर नाखूनों की खराशें पड़ चुकी थी। इफ्फन का भी यही हाल था, परंतु इफ्फन और टोबी में एक फर्क था। इफ्फन इकलौता बेटा था और टोबी बीच का। कहने में ये बात भयानक नहीं मालूम होती, इस दर्द को तो वही जान सकता है जो खुद दूसरा बेटा हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि इफ्फन पहला इकलौता बेटा था, तो उसको अगर उसके कुर्ता फट गया या कुछ हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके माँ बाप उसको बढ़िया नया एक और कुर्ता दे देंगे। और जब अगर ये जो है बलभद्र नारायण शुक्ला जब घर जाएगा और उसके कुर्ता फट गया है और ये हो गया तो और उसको मार पड़ेगी, तो उसकी जो मन की पीड़ा है वो उसके बारे में भी बात की गई है। तो एक ये है। दूसरा एक और हम डायलॉग लेंगे, एक बहुत फेमस नाटक है जो विजय तेंदुलकर साहब का है, मराठी का नाटक, जो मौलिक नाटक है मराठी का नाटक है, शांतता कोर्ट चालू आए और जिसका हिंदी में रूपांतर किया गया है, खामोश अदालत जारी है, इसका हम लेंगे। लास्ट का जो काशीकर साहब हैं, जो कि एक जज का जिन्होंने रोल निभाया है, और इस नाटक में वो जजमेंट देते हैं सब कुछ हो जाने के बाद। ये फ्रेंड्स हैं जो अपना एक नाटक करते हैं और जगह जगह लेके जाते हैं, तो ये इन्होंने अपना एक कुछ नाटक बनाया और उसमें कुछ ऐसे हालात पैदा हुए और उसके बारे में फिर एक मॉक मुकदमा एक चलाया गया जिसमें ये बिनारे भाई को इन्होंने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया और फाइनली ये काशीकर साहब जो जज बने हुए हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं। तो हम उनके फैसले को पढ़ेंगे पहले, एक क्योंकि ये फैसला थोड़ा बड़ा डायलॉग है, जो प्लेन तरह से हम पढ़ेंगे चार पांच लाइनें और फिर इसके बाद पढ़ेंगे बहैसियत एक जज के कोर्ट में बैठा हुआ है और वो एक अभियुक्त के खिलाफ जजमेंट दे रहा है। तो देखिए, अभियुक्त को कुछ कहना नहीं है, वैसे कहने से कोई लाभ भी नहीं है, पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। नाउ द जजमेंट। अभियुक्त मिस बेनारे, ध्यान देकर सुनो, तुम्हारे गुनाह महाभयंकर है और इस गुनाह की क्षमा नहीं है, पाप के लिए प्रायश्चित होना ही चाहिए, बहकाने वाली निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना ही चाहिए। तो ये एक चार पांच लाइनें हैं। अब हम देते हैं जजमेंट, काशीकर साहब जो जजमेंट दे रहे हैं उसको। अभियुक्त को कुछ कहना नहीं है, वैसे कहने से कोई लाभ भी नहीं, पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। नाउ माय जजमेंट। अभियुक्त मिस बेनारे, ध्यान देकर सुनो, तुम्हारा गुनाह महाभयंकर है, इस गुनाह की क्षमा नहीं है, पाप के लिए प्रायश्चित होना ही चाहिए, बहकाने वाली निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना ही चाहिए। सामाजिक परंपराएं चाहे जैसी भी हों महत्वपूर्ण होती हैं, मातृत्व निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए, उस पवित्रता में दाग लगाकर तुमने परंपराओं की नींव में जो बारूद लगाई है उसके लिए अदालत ये गंभीर फैसला करती है कि तुम्हारा गुनाह दया से परे है और तुम इतने गंभीर गुनाह के बाद भी जिस ठसक के साथ समाज में घूमती रही हो वो और भी अक्षम्य है। गुनाह करने वाले पापियों को अपनी सीमा के भीतर ही रहना चाहिए, मगर तुमने वो सीमा भी तोड़ दी है। तुम्हारी यह उद्दंडता कोर्ट के क्रोध में घी की आहुति डालती है। तुम्हारे हाथों में समाज की आने वाली पीढ़ी का भाग्य और भविष्य था, ये कितनी भयंकर बात थी। तुम अपने इसी दुराचरण की मोहर देश की भावी पीढ़ी पर भी लगाने वाली थी, अर्थात सिर्फ वर्तमान ही नहीं समाज का आगत भविष्य भी तुम्हारे दुष्कर्मों से खतरे में पड़ गया था। तुमको नौकरी से निकाल देने का फैसला
करके स्कूल के अधिकारियों ने एक महान पुण्य कार्य किया है। ईश्वर की दया से तुम्हारे दुराचरण के प्रभाव से समाज अभी भी बचा हुआ है। तुम्हारी तरह की स्त्रियों के हाथ में हाथ से ये गुना बार बार ना हो। इस चेतावनी की नियत से कोर्ट तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिए। तुम्हारी तरह की स्त्रियों के हाथ से ये गुना बार बार ना हो। इस चेतावनी की नियत से कोर्ट तुम्हारे लिए ये फैसला करती है कि तुम्हें जीवित छोड़कर तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे पाप कर्मों का सबूत भावी पीढ़ी के लिए मौजूद न रहे। तो एक ये था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कुछ समझ में, मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं, और फिर हम आगे एक और विषय को लेकर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।